फाइटिंग डिप्रेशन। आज का संदेश डिप्रेशन निराशा के ऊपर में है। देखिएगा, निराशा, अकेलापन, लोनलीनेस, असफलता, हार, ये तो जीवन का एक भाग ही है। कई बार ऐसे बड़े बड़े तूफान हमारे जीवन को घेर लेते हैं, पर वही व्यक्ति जिसको कुछ शिक्षा, ट्रेनिंग मिल चुकी है इन तूफानों का सामना करना, वही जय पा सकता है। मैं तो कहता हूँ डिप्रेशन एक दलदल, कीच, क्विकसैंड के समान है, जिसमें आदमी गिरना चालू होता है तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग मैरिज में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ बिफोर द मैरिज, कुछ आफ्टर द मैरिज, कुछ तो जीवन भर डिप्रेस्ड जीवन बिताते हैं। आजकल तो यंग एंड दी ओल्ड, रिटायर्ड भी लोग भी बोलेंगे, कुछ डिप्रेशन, निराशा उनके जीवन को घेरे रखता है ना। वो लोग ने आनंद किया है भूल गया, सुख किया है, खुशी की आवाज, वो उत्साह, जय जयकार की आवाज उनके कान भूल गए, उसका आवाज कैसा आता था। मैं कहता हूं आज प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी है। एक कदम तो यह हुआ है कि आज आप इस संदेश सुनने को आए और प्रार्थना की जाएगी और प्रभु आपको इस डिप्रेशन से, निराशा से बाहर लेकर आएगा। देखिएगा ना आगे का सर्वा। फाइटिंग डिप्रेशन, आज का ये संदेश हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, प्रभु अपने वचन को भेजकर हमारे घर को और जीवन को बनाता है ना। प्रार्थना पूर्वक बैठिएगा, आज पवित्र आत्मा को मौका दे, प्रभु हमारे जीवन को दृढ़ करे, मजबूत करे। और यहाँ पर आपके लिए निरंतर प्रार्थना हो रही है और मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के लिए जिन्होंने भार उठाते फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इस मिनिस्ट्री को, ताकि ये संदेश ना संडे आफ्टर संडे आपको उपलब्ध किया जाए ना। जरूर खर्च भी होता है, परंतु अगर आत्मा ने आपके दिलों में डाला, जरूर अपने हाथ बढ़ाइए, नीचे दिए गए नंबर में कॉल करिएगा, ताकि ये कार्य, प्रभु के वचन का बोने का कार्य लगातार चलता ही रहे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष। लौ लगाकर हम प्रार्थना की सामर्थ्य जो यीशु के नाम में किए जाते उस पर हम विश्वास करते हैं। ये एक बहन ने अभी अभी कॉल किया था, इंडिया की नहीं बाहर से कॉल किया था उसने, और कहा 14 साल के विवाह के बाद एक छोटा बच्चा भी उसके पास में है ना, उसके पति ने दूसरी औरत के लिए उसे छोड़ दिया। बहुत निराशा में वो थी, और यही सरमन जो यूट्यूब में मैंने लास्ट टाइम प्रचार कर चुका हूं, विवाह में धोखा, डिसीव्ड इन मैरिज, ये वाला सरमन देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू, और परमेश्वर की असीम सामर्थ, उसने कहा मेरे शरीर में ऐसी सामर्थ को महसूस किया मैंने, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा पति वापस घर लौट आएगा। यहां पर प्रार्थना हो रही है ना, आपके घरों के लिए प्रार्थना हो रही है ना, और प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो जाता है, विश्वास करिए। आइए आगे का सर्मन आज का हम शुरू करेंगे, और ये मुख्य वचन पढ़ेंगे जो पहला सैमुअल 1:10 में लिखा है। हन्ना, हन्ना जो बांझ थी और सैमुअल की मां है, उसके बारे में लिखा है। और यह है, मतलब हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी है। मन में व्याकुल, बिटरनेस ऑफ द सोल, उसका मन बहुत व्याकुल है ना, और रोती है, रोती है, रोती है। हम जानते हैं हन्ना ना, जब उसकी शादी हुई, उसका हस्बैंड का नाम एल्कना और उसके पास 2 पत्नियां पेनन्ना और हन्ना, और पेनन्ना के द्वारा तो संतान बच्चे हैं, पर हन्ना बांझ थी ना। और उतना ही नहीं, परंतु उसके विरोधी, दुश्मन, सताने वाले उसको चिढ़ाते भी थे। एक तो बांझ है और दूसरा उसको समाज उसको चिढ़ा रहा है, बुरा बोल रहा है। ये तो स्त्री निराशा में डूब रही है ना, ये तो खाना पानी भी छोड़ दी है,
ना? और कितना इसका मन व्याकुल, बिटरनेस ऑफ द सोल, ये मन को व्याकुल हो जाना, एक हमारे प्राण ना, हमारे भीतर भाग, हमारे मन का एक वो स्थिति है जिसमें बहुत नेगेटिव विचार मन में घुस जाते हैं ना। इसका शरीर ठीक है, बॉडी साइड में हष्टपुष्ट होगा, परंतु मन उसका टूट गया ना। और मन जब टूट जाता है, निराशा ही नहीं परंतु क्रोध, गुस्सा, प्रश्न, दर्द, पेन, नींद चले जाती है, ऐसा आदमी बहुत निराशा और थका पिटा महसूस करता है ना। और ये व्यक्ति बहुत सारे बार गलत कदम भी उठा लेता है। आज देखें तो बहुत सारे लोग अलग अलग कारण से, हन्ना बांझ थी इसलिए निराशा थी, परंतु आज बहुत सारे कारण से लोग निराशा में डूब रहे हैं। कई बार विवाह में उन्होंने सोचते हैं कि मेरे साथ धोखा किया गया है। वो कई बार शादी विवाह तो अच्छी हो गई पर जॉब नहीं है, कई बार कुछ पैसे की परेशानी है, कई बार सब कुछ ठीक है, जॉब भी अच्छा, पर बच्चों के कारण निराशा है। उनके बच्चे शायद पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, उनके बच्चे बुरे संगति में पड़ गए ना। देखिएगा कितने अलग अलग कारण से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और एक बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनके जीवन में एक बाय एक और समस्याएं, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जाती है। आज इस संदेश में हम कुछ बाइबल कैरेक्टर्स को देखेंगे जिन्होंने ना जीवन की असफलताओं को कैसे सामना किया है ना, और उसमें से कैसे वो बाहर भी आए। और आज हम कुछ मेडिकली भी, कुछ इंटरनेट से मैंने कुछ बातों को सीखा हूं जो मैं बहुत पसंद किया, मैं आपके साथ में भी शेयर करूंगा कि कैसे कुछ 10 चिन्ह जिसके द्वारा समझ में आ जाए व्यक्ति डिप्रेशन में है ना। पर सबसे पहले डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन ना, ये निराशा क्या है ना। देखिएगा असफलता, हार, ये तो आम बातें हैं ना। इसके द्वारा कुछ ऐसी भावनाएं अंदर पैदा हो जाती जिसमें आदमी अपने आप को आशाहीन समझता है ना, अकेला समझता है, और ये विचार मन में भरते जाते हैं, और फिर वो डिप्रेशन के दबाव में आ जाता है ना। ये एक ऐसा घटना घटने से उसके मूड में बहुत चेंजेस हो जाता है ना, और वो उसका बॉडी ना डेली फंक्शन एक्टिविटीज करना भी उससे बहुत मुश्किल होता जाता है ना। उसके डेली लाइफ, उसका वर्क, स्टडी, ईटिंग हैबिट्स, स्लीप हैबिट्स ना, सब में फर्क आप देख सकेंगे ना, अगर वो आदमी निराशा में डूब रहा है ना। देखिएगा बहुत सारी बीमारियां होती जिसके पास कुछ रूट कॉज होता है और उनका कुछ ट्रीटमेंट का भी बहुत आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है, पर डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी नहीं है। डिप्रेशन कुछ अलग अलग घटनाओं के द्वारा ना एक व्यक्ति के दिमाग पर प्रभाव डालती है ना, और इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी बहुत कठिन हो जाता है ना। जब डिप्रेशन की बातें करते हैं तो तीन बातों पर ध्यान दिया करो। एक होता बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हो सकता है शरीर में कुछ कमजोरियां हैं। एक होता साइकोलॉजिकल, उसका मनोविज्ञान, मानसिक तकलीफ है। और तीसरा होता है सामाजिक परिस्थितियां, सोशल फैक्टर। ये तीनों बातों को मिलाकर एक व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। एक बायोलॉजिकल, कुछ शरीर में कुछ ना कमजोरियां पाई जाती है। एक मानसिक, माइंड में तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, निराशा ना। और सोशल फैक्टर्स, इस पर भी ध्यान देना ना, इस कारण से भी सामाजिक परिस्थिति समाज लोगों को डिप्रेशन में डाल दे। जैसा कि मैंने हन्ना के बारे में बताया ना, एक तो बैरन है, बांझ है, फिजियल उसके बायोलॉजिकली उसके शरीर में प्रॉब्लम है कुछ ना, परंतु उसके बाद समाज ने भी और बोझ डाल दिया ना, उसके विरोध करने वालों ने उसको तुच्छ जाना, हल्का जाना, जिस कारण से डिप्रेशन में वो घुसती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखना ना, वो लाचारी, हेल्पलेसनेस की आत्मा ना, वो भावनाएं, वो फीलिंग्स है, होपलेसनेस, आशाहीन हो जाता है व्यक्ति ना, वर्थलेसनेस, कई बार नाकाबिलता महसूस करता है, और उसके दिमाग में ये तीनों शक्तियां इतना प्रभाव डालती है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस ना, लाचारी की एक
आत्मा, एक आशाहीनता की आत्मा, एक नाकाबिलता, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इतना दबाव डाल देते हैं, क्योंकि वो आदमी ने सब कुछ कोशिश किया पर फिर भी उसको जय सफलता नहीं मिली। ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी दबाव में फंस जाए तो बहुत परेशानी भी खड़ी हो सकती है। पर इस बातों को ध्यान करना है, मैं ये तीनों बातें जो बोला आपको, हेल्पलेसनेस, लचारीपन ना, आशाहीनता या ना असफलता होते जा रहा है, वर्थलेसनेस है ना, तो ये सब एक फीलिंग्स है, भावना है, ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है ना, ये उसका वास्तविकता नहीं है। ये सोच रहा है कि इस परिस्थिति से वो बाहर नहीं आ सकता है ना, क्योंकि उसने अपनी सामर्थ्य में कोशिश किया है, जितना बल, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, पहुंच, पहचान था, पैसा था, कोशिश किया और हार गया ना, इसलिए वो अपने आप को गिव अप कर रहा है, सरेंडर करते जा रहा है ना। पर जैसे हन्ना की लाइफ भी आगे मैं पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा कैसे वो बाहर आ गई ना। सो ये डिप्रेशन, इसको समझ लिया ना, इतना इजी बात नहीं है, कई और फैक्टर्स मिलकर आदमी एक डिप्रेशन में चला जाता है, एक स्त्री एक डिप्रेशन में चला, एक बच्चा, जवान, बुजुर्ग भी डिप्रेशन में चला जाता है। मैं इंटरनेट से कुछ बातों को देखा हूं, सीखा हूं, जो नीचे दिया गया वेबसाइट helpguide.org है, इसको आप भी देखिएगा, कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से। ये 10 सिम्टम्स उन्होंने बताए, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑफ डिप्रेशन, 10 चिन्ह मैं जल्दी से पढ़ दूंगा। एक होता है फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस ना, कि मैं लाचार हूं, आशाहीन अवस्था, होपलेसनेस, मेरे इसलिए कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ, ऐसी भावनाएं आ रही है कि आपके अंदर में, यह भी एक चिन्ह हो सकता है ना डिप्रेशन का। नंबर टू, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज। अब जो बातों से पहले आपको रुचि, इंटरेस्ट, आनंद मिलता था, आपकी हॉबीज, पास्ट टाइम, आपका नौकरी, काम, दोस्त यार, अब इंटरेस्ट नहीं आता। अब टीवी भी देखना, अब अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन भी देखना, इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा है ना। अगर ऐसे वाले कुछ भावनाएं आ रहे हैं, कार्य हो रहा है, तो सावधानी बनाए। नंबर टू, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। नंबर थ्री, लॉस ऑफ एपिटाइट और एक्सट्रीम वेट गेन, सिग्निफिकेंट। अगर 5% से ज्यादा वेट का आपका डिफरेंस हो रहा है एक महीने के अंदर में, एक साइन है, सिम्टम है, कुछ बॉडी डिसफंक्शन कर रहा है ना, इसको भी आपने ध्यान में रखने पाए। नंबर फोर, इरेटिक स्लीप पैटर्न्स ना, अनियमित नींद के पैटर्न, कई बार रात रात जाग जाना, कई बार पता नहीं 3 बजे से नींद खुल जाती है ना, 4 बजे से नींद खुल जाती है ना, कई बार ज्यादा सोना हो रहा है, कुछ इरेटिक स्लीप पैटर्न्स हो रहे, ये सिम्टम्स होता है डिप्रेशन का, ये मेडिकली प्रूवन बातें बता रहा हूं आपको मैं। नंबर 5, एंगर और इरिटेबिलिटी ना, क्रोध या चिड़चिड़ापन, बहुत जल्दी आप क्रोधित हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे, शांत स्वभाव था आप ना, पर अब आप ना टॉलरेट नहीं कर पा रहे ना, आपका टेंपर बहुत शॉर्ट हो गया है ना, बहुत जल्दी आप चिड़ जाते हैं। नंबर 6, लॉस ऑफ एनर्जी ना, कुछ थकामांद फील करना ना, कुछ किया भी नहीं पर थकान ना, कुछ ना काम करने की इच्छा नहीं हो रहा है ना, दिन भर सोने को लग रहा है, यह भी एक चिन्ह हो जाता है डिप्रेशन का। नंबर 7, सेल्फ लोदिंग या स्वयं से घृणा करना, एक अंदर में एक नाकाबिलता की ऐसी आत्मा अंदर घुस गई ना, या अपने आप को दोष देना, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, और अपने आप को ही दंड देना चालू कर देता आदमी ना, यह हद तक कि सुसाइड भी कर लेगा। प्रार्थना करिए, आगे मैं सेशन तैयार कर रहा हूं ऑन सुसाइड, क्यों लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, पर उसमें से ये भी एक पॉइंट होता है, लोग अपने आप को दोष और दंड देने सोचते हैं, सेल्फ लोदिंग। नंबर 8, डिप्रेशन का रेकलेस बिहेवियर ना, बेरहम व्यवहार ना, आप एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड आ जाता है ना, कोई जिम्मेवारी नहीं, उसमें से भाग जाए, आप रेकलेस ड्राइविंग और डेंजरस स्पोर्ट्स भी खेलना चालू कर देते हैं ना, कि आपको जानते हैं ऐसा ड्राइव करने, होने दे, मर जाऊंगा जाऊंगा, कुछ नहीं होता ना, ऐसा हो रहा है आदमी, तो कुछ चिन्ह है डिप्रेशन में बढ़ते जा रहा है। नंबर 9, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम, वो कॉन्सेंट्रेट, फोकस नहीं कर पा रहा है कोई डिसीशन मेकिंग में, और बहुत जल्दी भूल भी जा रहा है ना, कुछ दिमाग पर कुछ ज्यादा लोड हो रहा है। नंबर 10, ना अनएक्सप्लेन्ड एक्स एंड पेन, कुछ दर्द ना, कोई बैक पेन, कोई घुटना पेन, कोई कारण नहीं है, सब मेडिकली आपने चेकअप करा दिया आपने, पर दर्द 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 लगता रहता उसको
ना, ये सब डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स है, इन पर आपने ध्यान दीजिएगा ना। जल्दी से 10 पॉइंट्स बता दो, रिपीट कर दो। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस ना। नंबर टू, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज। नंबर थ्री, एपिटाइट चेंज और वेट चेंजेस। नंबर फोर, इरेटिक लाइफ स्लीप पैटर्न्स, नींद में फर्क हो गया, आप क्रोधित है या चिड़चिड़ाते। नंबर सिक्स, ना थकामंद फील करते हैं आप, लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है और अपने आप को आप घृणा, सेल्फ लोदिंग ना, रेकलेस बिहेवियर, उठपटांग ना, कार्य कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, डेंजरस स्पोर्ट्स कर रहे हैं और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, फोकस नहीं है, याद भी नहीं है। नंबर टेन ना, कुछ अनएक्सप्लेन्ड एक्स एंड पेन्स, दर्द तकलीफ आपको अचानक से हो जाती है। देखिएगा ना, हमारे दिमाग जो प्रभु ने बनाया है ना, ये माहिती इंफॉर्मेशन से चलता है, सूचना है ना, पर मेडिकली ये प्रूवन है कि जब ब्रेन में कुछ थॉट्स आते हैं वो केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं। नेगेटिव थॉट्स आने से ना ब्रेन की ताकत को चूस लेता है, ब्रेन को धीरा धीरे कर देता है ना, उसकी सामर्थ्य, शक्ति, एबिलिटी चले जाती है और आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। आपने सुना ना, कई आदमी कोई शॉक मिलने से बेहोश भी हो जाता है, एकदम ब्रेन शटडाउन भी हो जाता है। ये ब्रेन ऐसा बनाया है। सो पावर ऑफ थॉट्स, विचार शक्ति ना, बहुत काम करती है हमारे मन में ना। अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो ऐसे केमिकल्स पैदा करती जिससे मेरा ब्रेन ढीला हो जाता है। पॉजिटिव थॉट्स ना, और उसके कुछ आनंद की बातें, गुड न्यूज, मुझे ताकत फील होता है, मैं फर्स्ट आ गया एग्जाम में, रेस में ना, तो आदमी को ऐसी आनंद, ताकत महसूस कर लेता है, उसका ब्रेन बहुत अच्छा फंक्शन करता है। इसलिए मैंने बताया, हन्ना बाइबल में निराशा थी, अब नेगेटिव थॉट्स आ रहे, एवरी टाइम आशा के साथ आती है प्रभु के घर में और खाली हाथ लौटते जा रही है ना, प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, निराशा। उससे क्या हो रहा है, वो खाना पानी भी बंद कर दिए, उसको सोसाइटी, समाज भी उसको तुच्छ और हल्का जान रहे। अब वो मन में बहुत कड़वाहट, मतलब बिटर थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग आ गए, एक डिप्रेस कंडीशन में वो चले जा रही है। पर देखिए ना, उसका हस्बैंड क्या ही एक अच्छा रोल खेला, प्रतिदिन उसको इनकरेज कर रहा है, कुछ अच्छी बातें बोल रहा है। बाइबल में लिखा है उसका एक चैप्टर पांच कलम में, परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रख, दो बातें किया, प्रीति किया। डिप्रेस्ड आदमी को प्रेम की जरूरत है, कोई दो मीठे शब्द बोल दे ना, और ये दुगना गिफ्ट लाके दे रहा है उसको ना। वो जानता है ये कितनी निराशा में ना, हम देखेंगे कैसे लोग निराशा से बाहर भी आ जा सकते हैं। कुछ लोग होना जो कंधे से कंधे मिलकर खड़े हो जाए, दो मीठे प्रेम के शब्द तो बोल दो मुझको, वो आदमी ये सोचता है ना। उसका हस्बैंड क्या ही अच्छा रोल खेल रहा है, उसको और कुछ नहीं जान रहा है, गाली गलोच नहीं दे रहा है, निराशा में नहीं डुबाते जा रहा है, पर दो मीठे शब्द बोल रहा है। सुनिए ना, उसने आठ कलम में उसने हन्ना से क्या बोला, उसने कहा, इसलिए उसके पति एल्कना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है और तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? वाओ, क्या स्टेटमेंट बोला इसके हस्बैंड ने, तू क्यों रोती है? आपने अपने पति पत्नी से पूछा, जो जन डिप्रेस है उससे पूछा, क्यों उदास है, मैं तो हूं ना, ना? ये देखिए, एक स्त्री को बच्चों के द्वारा कितनी खुशी, और एल्कना बोल रहा, मैं 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं ना। एल्कना उसको आनंद, खुशी देने के लिए खड़ा हो गया ना। इसके बाद 9 कलम में लिखा है, वो खाना पानी चालू कर दिया और फिर प्रभु के घर में जाती है, एक आशा उत्पन्न हो गई उसके अंदर में, इसने ये मीठे शब्द बोला है, उसके आंसू को पोंछ दिया है ना। अब वो खाना पानी भी कुछ चालू करी प्रभु के घर में। इसलिए डिप्रेस लोगों को इनकरेजमेंट, वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड, चर्च के लोगों से ना मिलता है, बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से आप अपने आप को सराउंड कर ले, आपके लिए प्रार्थना की जाए ना, और उसमें से आप बाहर आ सकते हैं ना। एक और एक व्यक्ति जल्दी से पढ़ू मैं आपके सामने, बाइबल में है, उसका नाम है अय्यूब। जो घटना इसके जीवन में घटी, मैं सोचता हूं इतनी बुरी घटना और किसी के जीवन में मैंने कभी नहीं सुना ना। 10 बच्चों की मिट्टी एक दिन दे करके आया ना, धंधा पानी सब एक दिन में चौपट हो गया,
मैं सोचता हूं ये तो विश्व में सबसे बड़ा डिप्रेस व्यक्ति होना चाहिए। इतनी बड़ी दुर्घटना दुर्घटना वन आफ्टर द ईयर, शॉक 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 ना इसके जीवन में आया। परंतु बाइबल क्या कहती है, उसने दंडवत किया, प्रणाम किया, प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, फिर भी धन्यवाद के शब्द निकल रहे इसके मुंह से। देखिएगा लोग कैसे डिप्रेशन से बाहर आ गए, मौका ही नहीं दिया नेगेटिव थॉट्स को उसके माइंड को कैप्चर कर लेने के लिए। उसने ना प्रभु को 21 कलम में अय्यूब 1 और 21 में कहता, नंगा ही आया मां की गोद से नंगा ही चले जाऊंगा ना, और उसने परमेश्वर को धन्य यहोवा के नाम को धन्य कहा ना, गाली नहीं दिया बुरा नहीं बोला ना। और हम जानते हैं ना उसका 22 कलम भी कहता है ना, और इन सब बातों में वह अय्यूब ने पाप नहीं किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, प्रभु को कुछ गाली गलौच नहीं बुरा भी नहीं बोला ना। देखो डिप्रेशन पर जय पाना है अपना वर्शिप आराधना बंद ना होने पाए, वो कोई भी जन मेरा आनंद प्रभु का आनंद चुराना ना पाए। नेहमिया 1:8-10 में लिखा है प्रभु का आनंद है मेरी ताकत ना। हम रूप को देखकर नहीं चलते, संसार में क्या मिल रहा और क्या नहीं मिल रहा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। प्रभु का आनंद कभी ना गवाना आप ना। शैतान देखता है किस कौन सी घटना के द्वारा मेरे विश्वास में चोट लग जाए, कि मैं परमेश्वर के एग्जिस्टेंस पर ही डाउट करने लगूं ना। अगर शैतान ने यह प्रश्न मेरे मन में अगर डाल दिया ना, क्या कोई ईश्वर है, अगर ईश्वर है तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, अगर ये एक मन में थॉट विचार भी शैतान ने डाल दिया तो मैं कहता हूं शैतान जीत गया और आप हार गए। पर अय्यूब ने एक मन में विचार भी नहीं डालने दिया, उसने अपने पत्नी को जवाब दिया प्रभु से सुख ले और दुख ना ले ना, हर बातों में धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। अब्राहम को प्रभु ने कहा अपने बेटे को कुर्बान और धन्यवाद ना, उस नौकर को बोला मैं अपना बेटा ना मैं अपने बेटे दनवट करके वापस वर्शिप करके आए। ये जानते थे संकट में भी वर्शिप करना, पॉल सिलास जेल में और कोड़े भी खाए वहां भी वर्शिप कर रहे थे। ये डिप्रेशन निराशा को विचारों को खोटे विचारों को घुसने का मौका ही नहीं दिया। ये पढ़ना चाहूंगा मैं एक और एक व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति है बाइबल में तो जो डिप्रेशन से बाहर, और ये हबाकुक ना, हबाकुक 3:17-18-19 में लिखा भी, समय नहीं पूरा पढ़ना, परंतु इसके जीवन में कितनी निराशा है ना। कहता है उसके अंजीर के वृक्ष में फल ना हो, 3:17 ना, और दाखलता में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा ही पाया ना, और खेतों में अन्न ना उपज मिले उसको, भेड़शाला में भेड़ बकरी ना हो ना, और थाने में बैल बकरी भी ना हो, पर 18 कलम तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा उस अति प्रसन्न रहूंगा। ये वो लोग थे ना जो ऐसी हालत में भी प्रसन्न रहते थे। 19 कलम कहता है यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, योर गॉड इज माय स्ट्रेंथ, वो मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है, वो मुझको ना मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, वो चलाएगा मुझको ऊंचे स्थानों में, निराशा से बाहर निकाल देगा ना। अब निराश ना होना चाहिए, अब यहोवा पर ही भरोसा करे ना। जल्दी से 5 पॉइंट आपके आप आगे में रखो अगर आपको ना निराशा पर जय पाना है। पहली बात है अपना आनंद, नेवर लूज योर जॉय इन द लॉर्ड ना। ये कुछ वचन है फिलिपी 4:4, रिजॉइस इन द लॉर्ड, पहला थिस्सलुनी 5:16, रिजॉइस एवर मोर, हर समय आनंदित रहो। नंबर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ही प्राण से आप बातचीत करें। नीचे वचन दिया गया है ना, भजन 42:5 में ना सामिस बोलता है, ए मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगा क्योंकि मैं उसके दर्शन में उद्धार पाकर फिर उसको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 11 कलम में फिर से वही बात रिपीट किया, ए मेरे प्राण, अपने आप से बातचीत कर रहा है, ए मेरे प्राण तू क्यों निराश रहता है ना, प्रभु पर भरोसा कर,
उसका नेक्स्ट चैप्टर में भी कहता है ना, 43 और 5 में भी कहता है सेम बातों को, अपने ही प्राण से भजन लिखने वाला बातचीत। आपको अपने प्राण से, सोल से बातचीत करने पड़ेगा, क्यों मैं निराश हूं ना, मैं यहोवा पर भरोसा करूंगा, वही मेरा बल है, सामर्थ्य है। नंबर 3 रूल्स है ना, फेलोशिप और संगति, कभी भी अकेला मत रहना। अगर आप डिप्रेशन में है, कोई चर्च, कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, दूसरों को आनंद लाने की कोशिश आप करें, कोई ऑर्फनेज, कोई अनाथ घर में आप जाइएगा, बच्चों को साथ में खेलिएगा ना, आप अपनी खुशी को मत देखो, दूसरों को खुश करने को देखो और आपको आनंद मिल जाएगा ना। आप नंबर 4 बातों को ध्यान में रखिए, स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। देखिएगा, तूफान जरूर आते हैं जीवन में। यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया, वो घर जो रेत पर था, जो घर चट्टान पर था, तूफान तो दोनों घरों में आए ना, पर वही घर जो चट्टान अर्थात प्रभु के वचन पर सुनता है और उसके अनुसार चलता भी है, आपको चलना जरूरी होगा। आपको कहना पड़ेगा प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, प्रभु में मैं आनंदित रहूंगा। रूल नंबर 5 या 5वीं बातें आप ध्यान में रखें, प्रेयर प्रेयर एंड प्रेयर। आप निराशा से बाहर आ जाएंगे, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, कि आदमी जब निराशा में जाता है, दुष्ट आत्मा भी कई बार हावी हो जाती है उसको, उसके नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में बम्बार्ड करना चालू करती और आदमी सोचता है यही हकीकत, यही सच्चाई और डूब जाएगा। मैं आज भी प्रार्थना करूंगा और आज ही प्रभु आपको उस बंधन से छुटकारा देगा, ये मेरा विश्वास है ना। आइए हम प्रार्थना करेंगे, लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद, आज हम अंगीकार करते प्रभु ना, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। एक एक भाई बहन अगर कोई भी निराशा में डूब रहा है प्रभु जी, कोई भी परिस्थिति कारण उनमें असफलता पैदा हो गया है प्रभु, जिस कारण से निराशा है प्रभु जी, आज प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु, ओ प्रभु हमारे पास आशा है तो यीशु में आशा है प्रभु। एक एक भाई बहन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, हर एक निराशा के बंधनों को तोड़ देता हूं यीशु के नाम से। हर एक प्रभु ऐसी भावनाएं जो उनको असफलता, उनको वर्थलेसनेस की तरफ में ले जाती है प्रभु, वो सारी बातों को नष्ट करता हूं प्रभु, और आज एक नई आशा पिता यीशु के नाम से उनके मनों में वो बीज बोया जाए प्रभु। आनंद बोलता हूं, खुशी बोलता हूं, चंगाई बोलता हूं पिता प्रभु, और इनके घर को, जीवन को आप ही बढ़ा दे, आशीष देता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू।